वेलकम बेसिक स्कूल। मैं चित्रकार डॉक्टर मोना सरदार डूडी जो पेंटिंग में लाइन में हूँ, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज से पेंटिंग के अंदर कैसे कैसे अलग अलग विधाओं में काम करते हैं और पेंटिंग के अंदर क्या क्या जो यूज़ लेते हैं चीज़ें, और वेस्ट मटेरियल से कैसे बनाते हैं कुछ चीज़ें, इस प्रकार के जो है प्रयोग हम करेंगे। साथ में आपके कुछ पेंटिंगें भी बनाएंगे, कुछ ऑयल पेंटिंग, पेस्टल पेंटिंग एंड दूसरे जो अलग अलग विधाओं में जो भारत में और बाहर विदेशों में जो काम हो रहा है उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी देंगे कि बच्चे जो चाइल्ड आर्ट के अंदर जो है कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, इस प्रकार का जो है ये चलेगा समर का जो अपने जो ये चल रहा है कैंप। तो इस प्रकार की जानकारी मैं अभी आपको पहले मैं बता दूं कि पेंसिलों के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं कि पेंसिलें कितने प्रकार की पेंसिलें यूज़ में लेते हैं कलाकार। आप भी जब पेंसिल यूज़ करो तो किस प्रकार से करनी चाहिए, जैसे एच बी पेंसिल, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल, बी पेंसिल का एक सेट आता है। बी पेंसिल के सेट से आप जो है अलग अलग टोन में अलग अलग जो है उसमें विधाओं में काम कर सकते हैं। तो मैं जानकारी दूंगा कि एक ये 2B पेंसिलों का सेट जो छोटा बॉक्स के अंदर 2B, 4B, 6B, 8B और 10B, उसके बाद में आप पेंसिल यूज़ ले सकते हो गहरी करने के लिए, जैसे बाल बनाने हो, जैसे आँख का अंदर के हिस्से को गहरा करना हो काला, उसको अगर आप पेंसिल अगर चारकोल पेंसिल यूज़ लोगे तो चारकोल पेंसिल से आपका जो पेंटिंग है, जो आपका स्केच है, जो आप स्केच खींच रहे हो उसके अंदर जो शेडिंग है वो सुंदर रूप से आ पाएगी। तो मैं आपको और भी अलग अलग विधाओं के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा जैसे जैसे आप ये काम करेंगे मेरे साथ में। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि स्केच जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण है स्केच कलाकार के लिए। अगर आपका स्केच कमज़ोर है तो आप पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। यदि आपने स्केच पावरफुल कर लिया, आपकी जैसे रैपिड स्केच बोलते हैं जिसको, जिसमें अपन स्पीडली खींच लेते हैं कि कोई व्यक्ति वहाँ से यहाँ तक आया और उसका एक रफली स्केच खींच लिया, उसको बाद में फेयर कलर में या फेयर पेंसिल से कर लेते हैं, इस प्रकार का मैं जानकारी जो है आपको दूंगा। जैसे मैं अभी प्रारंभ करूँगा यहाँ पर, आप देखो कि जो बच्चे स्केच स्टार्ट करते हैं छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे स्केच स्टार्ट करेंगे वो कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, जो बड़े जो आर्टिस्ट है वो भी कर चुके हैं, जिन्होंने काम किया है, हमने भी जब आपके जितने थे या हम पढ़ने स्टार्ट किया तो हमने ये जो स्केच बनाने की विधि है उसको सीखने से पहले एक्सरसाइज की। जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये एक्सरसाइज करने से हाथ आपका जो आपका हाथ का फ्लो है, ये एक्सरसाइज है, ये योगा में जैसे अपन ये करते हैं तो इस प्रकार का ये जो है अपने जाम नहीं होगा, ये कलाकारों के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है एक तो। उसके बाद में ये देखिए एक गोला है, आप कोई भी रफ चीज़ जैसे अखबार है उस पर चारकोल स्टिक आती है एक बाज़ार में, उसको ले आइए, या मार्कर जो पेन है ब्लैक एंड रेड पेन जो है आप उसको मार्कर को ले सकते हैं। जैसे मैं अभी ये जो बना रहा हूँ दोनों साइड से एक्सरसाइज कीजिए, जैसे ये देखिए, इससे आपका जो हाथ का फ्लो है वो बहुत स्पीडली हो जाएगा और आप जो स्केच खींचोगे उसमें ये जो अपने लाइन आती है जैसे रुक रुक के, ये नहीं आएगी, ये स्पीडली जैसे स्केच खींचा आपने ये एक ही लाइन में जैसे स्पीड आ रही है, ये इसके कारण है। आप ये गोला खींचे, आप घर पे एक्सरसाइज करें इसकी लंबी लाइनों की, इधर से इधर, इधर से इधर, ये एक्सरसाइज है। इसके बाद में आप त्रिकोण जैसे इसके ऊपर जो है ऐसे कर सकते हैं एक्सरसाइज, ये सब हाथ को बहुत बढ़िया तरीके से स्केच करने के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने, बहुत बढ़िया तरीके से आप स्केच कर सको, इसके लिए आपके हाथ में कुछ रुकावट नहीं आए, इस प्रकार की ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। ये गोल, ये त्रिकोण, ये जो है आप इसको अगर नियमित रूप से अगर एक महीना करते हैं
रोज़ के अगर एक अखबार पे भी आप उसको ख़राब करते हैं जिस पे गोले और ये चौरस ये जितने भी त्रिकोण ये है रेक्टेंगल में और में जो है, तो इससे आपका हाथ जो है बहुत बेटर हो जाएगा। उसके बाद में आप जैसे ही स्केच करोगे, जैसे मैं ये कर रहा हूँ गोला खींच रहा हूँ, तो आपका गोला जो है एकदम गोल जैसे आएगा। उसके बाद में मैं खींच रहा हूँ जैसे लाइन, तो ये लाइन आपकी एकदम सीधी आएगी, रुक नहीं तो क्या आएगा, अपन यूँ खींचते हैं लाइन वो यूँ यूँ चली जाती है। ये इसी कारण से ये जो लाइनें ये जो गोले मैं बता रहा हूँ आज, ये आपकी एक्सरसाइज करनी है आपको। उसके बाद में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपन जो ड्रॉ करते हैं, जिस चीज़ को ड्रॉ करना है उसको पहले समझना ज़रूरी है कि उसके अंदर जो है क्या क्या। जैसे ग्लास है, ग्लास आप स्टार्ट करें तो ग्लास को समझे पहले, ग्लास को सामने रख के और ग्लास को देखें। कोई भी चीज़ देखने से पहले, जापानी जितने भी कलाकार हैं मैं बता दूं आपको कि वो चीज़ को पहले देखते हैं कम्प्लीटली कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसके अंदर मेटल है, कौन सा कांच की ग्लास है, कौन सा ये उसका जो कलर है वो क्या है, उसके अंदर शेड पड़ रही है वो कैसे पड़ रही है, ये सारी जानकारी मैं बच्चों को दूंगा। जिसमें ये देखिए, ये ग्लास बनाने से पहले आप देखें कि ग्लास अपने कई बार बनाने स्टार्ट करते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसके लिए इसमें सेंटर लाइन खींचनी ज़रूरी है। पहले सेंटर लाइन खींच लो आप, सेंटर लाइन खींचने के बाद में आप इसको जो इधर अगर ज़्यादा है और इधर कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। ये ग्लास का जो है बनाने का तरीका है। इसके अंदर बोतल जैसे बनानी है आपको, ये देखिए बोतल बनानी है तो आप इसको समझे बोतल को, ये जितने भी अंदर घुमाव है गोल उसका पेंदा है, ये सब आपको समझना ज़रूरी है, तब ये आपको समझ में आएगी पूरी बोतल, नहीं तो ये टेढ़ी मेढ़ी बनेगी और जो अंदर का गोलाई है वो त्रिकोणाकार में बदल जाएगी, उससे बोतल ये सही नहीं लगेगी। तो ये स्केच खींचने के जो तरीके हैं ये इस प्रकार से है। जैसे आप बना रहे हो कटोरी, छोटा सा सेंटर लाइन खींचिए, एक आड़ी प्लस जैसा निशान बनाए, उसके बाद में ये तो इस प्रकार का जो पारदर्शी अपन देखते हैं, ये पारदर्शी जो देखने का जो तरीका है ये बिगनिंग स्टेज में बहुत फायदेमंद है। शुरुआत में आप जैसे ही स्केच स्टार्ट करोगे आपका हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा जाए, लेकिन इन एक्सरसाइज से, ये जो एक्सरसाइज है इनसे धीरे 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 आपको आपका हाथ अच्छा होने लगेगा, आपका स्केच सही होने लगेगा। पहले वाले स्केच जब उठा के देखोगे, बाद में जो स्केच बने हैं एक महीने बाद में, उसमें बहुत परिवर्तन मिलेगा। हम भी अभी मैं बता दूं कि हम भी ये एक्सरसाइज अभी भी करते हैं, क्योंकि हमें रोज़ इस जो है जो संगीतकार जैसे रियाज करता है उस प्रकार से ये रियाज है, ये सदैव चलता रहना चाहिए। कलाकार के हाथ जाम नहीं होगा, हाथ में जो है टाइट जो अपने कड़ापन आ जाता है या यूँ घुमा नहीं पाते हैं, दर्द होने लगता है। इस प्रकार से जब ब्रश से काम करोगे आप तब ये दिक्कतें सामने आती है। तो इस प्रकार की ये आप स्केच स्टार्ट करें घर पे कि पारदर्शी कैसे देखते हैं स्केच को। इसमें ये जो स्टील लाइफ बोलते हैं इसको, स्टील लाइफ के अंदर क्या है, कोई आप ऑब्जेक्ट अपने घर पे जैसे पड़े हैं, ग्लास है, कटोरी है या दूसरे बर्तन हैं स्टील के कांच के, उसको सामने रख लें दो या तीन की मात्रा में। तो दो या तीन जैसे मैंने ये कटोरी ग्लास और ये जो बना रहा हूँ ये, इस प्रकार के एक्सरसाइज आप सामने रख के उसको ड्रॉ करने का जो तरीका है, जो स्थिर हो, जो चीज़ें हिले नहीं। अगर आप हिलने वाली चीज़ों के बनाओगे तो वो बन नहीं पाएगी। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एक आप स्टार्ट करें बिना हिलने वाली चीज़ों में, जैसे कोई चीज़ पड़ी है, स्टूल पड़ी है, मेज़ पड़ी है या कोई दूसरे जो निर्जीव जो चीज़ें हैं उनको आप माध्यम बनाएं उस चीज़ों को, और वहाँ रख के सामने और उसका शेडिंग
एक बार लगाने की कोशिश ना करें, बाद में लगाएंगे शेडिंग की, जब क्लास आएगी तब अपन शेडिंग भी बताएंगे हम आपको। एक बार आप केवल स्केच और ये जो एक्सरसाइज है ये स्टार्ट करें। इसमें अलग अलग वाटर कलर में भी बताएंगे आपको कि वाटर कलर में ग्लास कैसे बनती है, उसके बाद में पेस्टल कलर में तब्दील करेंगे उसको, उसके बाद में शेडिंग में ब्लैक एंड वाइट में ग्लास कैसे बनाते हैं, इस प्रकार का भी हम प्रयोग जो है कुछ ड्राइंग शीट पे और आइवरी शीट जिसको बोलते हैं उस पे करेंगे। तो ये एक्सरसाइज है। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा और तरीका बताता हूँ स्केच खींचने का, कि आप जब स्केच खींचते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो जैसे ये छोटा सा चीज़ है, शंख बनाना है जैसे, बहुत इजी तरीके से बच्चे, छोटे बच्चे जो है शंख को देखने के बाद भी बना नहीं पा रहे हैं, तो उसकी एक छोटी सी विधि है। ये छोटा सा गोला खींचते जाओ यूँ और उसके अंदर एक छोटी सी लाइन कर दो, उसके बाद में ये शंख बन जाएगा। कैसे बनता है देखिए, ये शंख। ऐसे ही मछली बनाने का जो तरीका है, वो अलग अलग प्रकार की मछलियाँ कैसे बना सकते हैं बच्चे, ये मैं बता रहा हूँ आज। जैसे यही गोला है, उसमें ये आप ऐसे लाइन कर दी, ये गोला है उसमें ये लाइन कर दी, ये जो गोला है उसमें ये लाइन कर दी। अब ये मछलियों में कैसे तब्दील होंगे, इजी तरीके से, ऐसा नहीं हो कि उसको देखने की आवश्यकता हो, कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, ये आँख लगाओ आप, ये मुंह है और ये जो है ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, ये मछली बनाने का जो है, ये नीचे साइड में जैसे ऐसे आ गई और ये ऐसे आ गई, ये छोटे छोटे प्रयोग आप मेरे साथ करें घर पे बैठ के, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आप ये जो चीज़ें हैं ये घर पे जो है आप प्रैक्टिस करें, उससे धीरे धीरे ये जो मछली है देखिए, ये ऊपर ऊपर से पानी में जैसे जंप लगाया है, इस प्रकार की जो है ये छोटे छोटे प्रयोग हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ स्केच के अंदर ही, इजी तरीके से जो जानवर है, जो दूसरे जो छोटे छोटे अपन जो पेंटिंगें बनाते हैं, कुछ स्केच बनाते हैं, उसको इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, ये कि आप जैसे इसमें जैसे कुर्सी बनानी है, मेज़ बनानी है, या कोई काउंटर बनाना है, या कोई छोटे छोटे जो लकड़ी के जो फर्नीचर है वो बनाने हैं, इस प्रकार के प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। गोल चीज़ों से चार एलिमेंट काम आते हैं, चार जो चीज़ें हैं वो उससे दुनिया की तमाम चीज़ें जो है बन जाती है। इस प्रकार का हमने एक प्रयोग किया है बच्चों के लिए कि जो चार चीज़ें हैं एकदम इजी तरीके से बना सकते हैं उसको, वो ये है कि एक तो है ये तिकोना, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं डायमंड आकार में, उसको आप एक ये है, दूसरा ये है, ये गोल है और चार चीज़ें, चार चीज़ों में ये जो है जैसे आपने ये बनाया उसके ऊपर ये लगाओ आप, तो
बैठा हुआ आदमी हो, बैठे हुए आदमी का चित्र जैसे बनाना है बहुत इजी तरीके से बच्चे बना सकते हैं। उसके बाद में उसी को वापस ले, ये है गाय जैसे बनाते हैं वो इजी तरीके से गाय का, गाय का चित्र। ये इसी प्रकार से ये जो गोला है इसमें आप जैसे चेहरा तो बनता ही है, बढ़िया जो चेहरे बनाते हैं उसके अलावा भी चीज़ें बन सकती है गोले से। जैसे आपने एक गोला छोटा लिया, एक बड़ा गोला लिया, ये देखिए क्या बनता है। उड़ती हुई चिड़िया जैसे बन गई। छोटे छोटे प्रयोग कीजिए आप मेरे साथ में। ये छोटा गोला, ये अंडाकार जैसे बनाया, उसके बाद में ये जो है मोर बन गया। इसके बाद में आप ये जब सब चीज़ें आप पेंसिल जो है 6B और 8B पेंसिल यूज लो या फिर चारकोल पेंसिल यूज लो, इससे गहरा जो है स्केच आएगा। और अगर कोई पेंटिंग बनानी हो प्रारंभ में तो उसमें हल्का स्केच जो 2B और 4B है उससे प्रारंभ करें आप। ये प्रयोग जो है, ये देखिए दो गोले हैं, ये साइकिल में तब्दील हो गई। रैपिड स्केच बोलते हैं इसको। रैपिड स्केच में हम जो है आपको ये बता रहे हैं कि रैपिड स्केच में स्पीडली कितना आप खींच सकते हो स्पीड से। जैसे आपने एक लाइन यहाँ से ली, ये स्पीडली कैसे खींच सकते हो उसको, ये रैपिड स्केच है। ये इसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वो मैंने जो बताई। तो ये जो चार चीज़ें हैं इनसे अलग अलग प्रकार के जितने भी दुनिया में साधन हैं, जितने भी फर्नीचर है, जितने भी वुमेन जो फिगर बनाते हैं अपने, ये सब चार चीज़ों में ही जो है समाये हुए हैं। और इसको अलग अलग हम लेंगे क्लासों में कि इससे कितने प्रकार के जो है। मैं इनसे अभी 5,000 चित्र के करीब जो है स्केच खींच चुका हूँ। ये अभी अनकम्प्लीट है, इसको अभी ये कम्प्लीट हो नहीं रहा है, मतलब पूर्ण नहीं हो रहे हैं। ये लगातार होते ही जा रहे हैं, कम्प्लीट नहीं हो रहे। तो ये जो है डायमंड है, इसके अंदर आप बहुत अच्छे अच्छे चित्र जो है आप बना सकते हैं। बैठे हुए आदमी, बॉल फेंक रहा है, इस प्रकार के जो है ये इसमें जितने भी जानवर है ये सब इसी के अंदर है। गाय है, गाय अच्छे प्रकार से अगर गाय बनानी है
ये सब रैपिड स्केच है, इसको बाद में फेयर कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं इसको। तो इसी प्रकार से गोलों में जैसे साइकिल बताई मैंने, और प्रकार के जो कुएँ बावड़ी और जितने भी ये पंखे हैं, ये जो गोल घूमने वाले, ये सब जो है ये सब इसमें इसी चीज़ों में बन जाएंगे। और जितने भी ये आपके ये जो बताएं दो चीज़ें, इसमें जितने भी फर्नीचर है ये सब बन जाएंगे। तो ये सारा जानकारी जो है मैंने इसलिए आज प्रारंभ का दिन है इसलिए दी है कि आप ये स्टार्ट कर सकें कि पेंटिंग बनाने से पहले स्केच बनाना स्टार्ट करें, ताकि स्केच अगर आपका पावरफुल होगा तो पेंटिंग अपने आप पावरफुल हो जाएगी। नमस्कार।